नमस्ते नमस्ते जसपाल जी, कैसे हैं? सर, मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे तकरीबन साल नहीं हुआ है अभी आपका कोर्स सब्सक्राइब किए हुए। क्या है ना कि मुझे मैंने ज्वाइन किया ना, लेकिन मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। एंग्जाइटी की प्रॉब्लम? जैसा एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, जो कहते हैं ना कि वो नर्वस सिस्टम में आता है कि हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो ट्रैवल करती है। मैंने बहुत सारी मेडिसिन ली है, तो मेडिकल से मेडिसिन ली है, तो उससे तो ठीक हो गया, पर फिर आ जाता है। तो अभी मैं होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहा हूँ, तो तभी भी ठीक नहीं हूँ, तभी वही हो रहा है। तो इसको मैं चाहता हूँ कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड से हील हो जाए। तो इसका मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया था अपनी लाइफ में कि सबकॉन्शियस माइंड से मैंने इन्फॉर्मेशन दी तो मेरी बॉडी हील हो गई। मुझे नहीं पता कि वो कैसे हील होगी, पर मेरी सिर्फ एक बार ही हील हुई बॉडी, तभी मैं दोबारा उसको कर ही नहीं पाया, मैं हील ही नहीं कर पाया अपनी बॉडी को। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बॉडी को हील कर लूँ, अभी मैं इससे सफर कर रहा हूँ। आज की कॉल का आपका क्वेश्चन ये है कि आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने बॉडी को हील कर सकें। यस सर। अच्छा, नॉर्मली इस समय जब आप मुझसे बात कर रहे हैं कि आपकी बॉडी हीलिंग चल रही है? तकरीबन तो लगता है कि मुझे ऐसा है कि बॉडी तो बहुत इंटेलिजेंट है, बॉडी तो बहुत इंटेलिजेंट है, बॉडी तो अपने आप को हील करती रहती है। तो फिर उस हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाने की कोशिश कैसे कर सकते हैं हम लोग, कैसे बढ़ाएं हीलिंग प्रोसेस को? जैसे कि मतलब कि कुछ लोग बोल रहे हैं इन्फॉर्मेशन दें, इन्फॉर्मेशन से हम ग्रेटिट्यूड फील करें, नेचर हमें हील कर देगा। राइट। नहीं, अच्छी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। देखिए, जब आप कॉन्शियसली हीलिंग करने की कोशिश करते हैं तब एक प्रॉब्लम होती है, आप वो एक्सपेक्टेशन करते हो जो एक एलोपैथिक मेडिसिन करती है। बुखार आया, आपने गोली खाई और आधे पौन घंटे में, एक घंटे में बुखार रुक गया। रुक गया। ऐसे ही हमारी एक्सपेक्टेशन होती है हीलिंग के साथ। जब आप खुद को पॉजिटिव रीइन्फॉर्मेशन देते हो, अच्छी अच्छी बातें बोलते हो, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो जहाँ पर हो सकता है 2-3 महीने में रिजल्ट आए, वो आप उसको 1-2 दिन में चाहते हो, और चूंकि 1-2 दिन में नहीं मिलता है तब हम उसको छोड़ देते हैं। ग्रेटिट्यूड में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखते हैं ना, मैं कॉन्शियसली ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखता हूँ तो तभी होता है, थोड़ा टाइम बाद में नहीं होता है, सबकॉन्शियस में नहीं जाता है, सबकॉन्शियस फिर उसको जो रियलिटी है उसको फिर पकड़ लेता है। देखिए, जब बोलते हैं कि मुझे एंग्जाइटी खत्म करनी है, वो एक ऐसी चीज आप चाहते हैं जिसकी आपको बॉडी की आदत पड़ी है। यस सर, हैबिट पड़ी। हाँ, और एक तरफ से आपका ही बॉडी और ब्रेन एंग्जाइटी प्रोड्यूस करता है, और दूसरी तरफ आप ही उसको दबाने की कोशिश करते हैं कि एंग्जाइटी ना हो, ग्रैटिट्यूड के जरिए। यस सर। आपको ये देखना होगा कि जो एंग्जाइटी है आपकी बॉडी में, जो एंग्जाइटी है, फिजिकल लेवल पे तो आप कुछ नहीं कर सकते। यस सर। लेकिन मेंटल लेवल पे उनको पहचान सकते हैं, उसके लिए एंग्जाइटी के लिए भी थैंक यू बोलें। ठीक है सर। जो ग्रैटिट्यूड है, एक बात समझिए मेरी बात, आपकी बॉडी में जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी सिम्टम्स चल रहे हैं, पालपिटेशन होना, हाथ कांपना, मुंह में लड़खड़ाहट होना, मुंह सूख जाना, जो भी एंग्जाइटी हो रही है, नर्वस सिस्टम का, ये सारे की सारी चीजें बॉडी इसलिए कर रही है बिकॉज कहीं ना कहीं इसके जरिए खुद को वो हेल्प करने की कोशिश करती है। ओके, ठीक है। अदरवाइज वो करती नहीं, उसको कोई ना कोई चीज लग रहा है जो खतरे की तरह है, और स्टेज पर जाएगा तो स्टेज का फियर होता है। तो जो बॉडी कुछ कर रही है अपने हिसाब से, अच्छा करने की कोशिश कर रही है, हील ऑलरेडी कर रही है, तो उसको जज मत करिए कि वो खराब कर रही है। ठीक है। एंग्जाइटी के सिम्टम्स को डोंट कंसिडर देम एज बैड। ठीक है सर। नॉर्मल है वो। ठीक है सर। मतलब ऐसा है ना कि मैं आपको एक बात और बताऊं, मैंने ना जब छोटा होता था ना, जब मैं बच्चा था, तो मैंने गलत संगत में पड़ गया था। जैसे कि मास्टरबेशन करना, कि मैं अपने पेनिस को स्क्वीज कर देता था, मुझे नहीं पता था ऐसे ऐसा होता है, तो मुझे इरेक्शंस नहीं आए तभी से, मुझे जब मैं छोटा था, तो मैंने 7वीं 8वीं था, मैंने किसी को बताया नहीं, मैं अपने अंदर ही रखी इस बात को, मैंने आपसे शेयर किया, तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि मेन तो शुरू से मैं सेंसिटिव रहा हूँ, मैं इस चीज से डील कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, जो चीज 6th 7th क्लास में हुई, अब आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 26 साल। 26 साल हो गए उस चीज को, ऑलमोस्ट 10-12-15 साल हो गए।
यस सर, राइट? मतलब क्या है ना यस सर कि वो कॉन्स्टेंटली मैंने 26 साल से पहले उस चीज को देखा है, पता नहीं चला, मुझे पता नहीं चला वो कैसे मेरी सेक्सुअल प्रॉब्लम, मेरे पेनिस में कैसे इरेक्शन होने शुरू हो गए। तो अभी इरेक्शन होता है कि नहीं होता आपको? अभी होता है, अभी मैंने कैसे किया ऐसे कि सबकॉन्शियस माइंड को हील करके उसको किया है, अभी होता है, अभी भी डाउट रहता है तो तभी नहीं, फिर भी नहीं होता है, प्रॉपर नहीं होता है। देखिए सबसे पहली बात तो आप ये जो सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं ना, वो सबकॉन्शियस माइंड को हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? इसलिए जो भी हम लोग करते हैं वो तो कॉन्शियस माइंड को ही करते हैं, करते हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज, माइंड में जब भी कोई डिस्टरबेंस रहेगा उसकी असर बॉडी पे दिखाई देगी। ठीक है सर। अब आप कह रहे हैं कि मैंने क्लास 6 में या 7 में कोई ऐसी चीज की थी जिसका असर अभी तक मेरे बॉडी पर है, लेकिन उसका सबसे बड़ा असर आपके बॉडी पर इसलिए है क्योंकि आपके लिए वो घटना बहुत बड़ी है। यस सर। हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ डिप्रेशन में भी चल गया था। देखिए, एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट या जो भी चीजें हम सोचते हैं, जब तक हम उसको बहुत वैल्यूबल मानते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं, तभी तक वो हमारे बॉडी पर असर करती है। ठीक है सर। अगर मेरे लिए कुछ भी बड़े से बड़ी दुर्घटना दुनिया में हो जाए लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यस सर, कोई सिम्टम नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा, बिकॉज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों से बहुत से लोगों को देखा है, हार्ट अटैक हो जाता है भाई, उनके फैमिलीज में किसी आदमी की बेटी भाग गई, घर छोड़ करके भाग गई शादी करके दौरान, मंडप से, तो उसको वो बीमारी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, चले जाते हैं। वो इसलिए होता है बिकॉज मेंटली हमने अपने आप को उस एक्सीडेंट के साथ बहुत नेगेटिवली बांधा है, हमने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया में जो चीज़ हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि वो होनी चाहिए। आज के 10 साल बाद अगर कोई चीज़ हुई तो वो चीज़ होनी थी, इसलिए लाइफ ने किया। अगर हम ये कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, हिटलर को दुनिया को नहीं मारना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है, नहीं मारना चाहिए था, लेकिन मारा तो है ना, मारा तो है ना, इसका मतलब जो चीज हो चुकी है उसमें ईश्वर की या लाइफ की रजामंदी थी, ठीक, नेचर की थी, राइट। अगर नेचर नहीं चाहता तो ऐसा नहीं होता, ठीक है सर, राइट। ऐसे ही आज से चाहे 20 साल पहले, चाहे 15 साल पहले, अगर कोई चीज हुई मेरे बॉडी के साथ तो उसका मतलब नेचर या लाइफ या गॉड उसके साथ थे, मेरे साथ थे, एंड थैंक्स टू लाइफ, थैंक्स टू गॉड कि ठीक है वो चीज़ हुई, उसमें से मैंने कुछ न कुछ सीखा या सीखूंगा। मैं मतलब कि ऐसा है कि मुझे उसके एक्सपीरियंस भी काफी हुए हैं, बहुत से एक्सपीरियंस हुए हैं, और एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस मतलब कि हुए हैं कि मैंने डीप, प्रॉपर डीप पेनिस के ऊपर, सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर प्रॉपर डीप पढ़ चुका हूँ, मैंने बुक्स पढ़ी है। देखिए उसका पॉजिटिव असर ये हुआ कि आपने बहुत स्टडी किया, मुझे मुझे ऐसा है कि लोगों को मैंने हेल्प भी की है, मैंने अपनी खुद की हेल्प। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वही देखिए, अगर इस तरह की आपके साथ एक्सीडेंट नहीं होती तो आप ना खुद को हेल्प कर पाते ना दूसरों को हेल्प कर पाते। तो यस सर, ऐसा है कि एक मेरे पर्सन को, फ्रेंड को ऐसी इरेक्शन की प्रॉब्लम बननी शुरू होगी, मैंने उसके साथ कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, तुम एक्सरसाइज करो, जिमिंग करो, नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब कि लेना शुरू करो, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, मतलब कि पैनिक में जाएगा, इरेक्शन आएंगे, वैसा फूड लो, नेचुरल तरीके से वॉक करो, अभी वो ठीक है। नॉलेज तो मुझे काफी आई है। जब तक आप इसको ना एक थैंक यू की एक्सपीरियंस नहीं समझेंगे, लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। जो वर्स्ट एक्सपीरियंस भी होता है वो भी कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए लाइफ कराती है, ठीक है। इच्छा तो बहुत है कि ऐसा बनूं, ऐसा बनूं, तो ऐसा है ना कि एक गंदी हैबिट पड़ी हुई है। गंदी हैबिट क्या है कि फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड की पेनिस को पकड़ के ग्रेटिट्यूड फील करो तो इरेक्शन हार्ड होते हैं। वो एक्सपीरियंस हुआ कि इरेक्शन हार्ड हो गए, एक दो बार ऐसा हुआ कि हार्डनेस आनी शुरू हो जाती है, फील हो जाती है बॉडी, पर फिर छूट जाती है। आप अभी भी जो एक्टिविटीज हो रही है उसके चक्कर में पड़े हैं कि ऐसा होता है, इरेक्शन हार्ड होता है या नहीं होता है। आपके लिए क्या चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए? अभी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपका इरेक्शन और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज। मेरे लिए पर्सनली, मेरे लिए सेक्स का या इरेक्शन का या मास्टरबेशन का एक नॉर्मल सा इम्पोर्टेंस है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए? मेरी रीजन होगा या मेरा माइंड।
अगर मैं इस माइंड को समझ जाता हूँ और ये रेगुलेट हो जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इससे कोई चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जैसे आपके केस में आपका इरेक्शन, या किसी के लिए मास्टरबेशन, किसी के लिए बच्चों की पढ़ाई, किसी के लिए प्रॉपर्टी, किसी के लिए जॉब, किसी के लिए स्कूल का एग्जाम, तो वो एंग्शियस एंग्जाइटी के थ्रू गुजरेगा। बिकॉज जो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो नहीं मिलती है तो आप परेशान होंगे। तो धीमे धीमे आपको अपनी प्रायोरिटी, अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग को बदल करके कुछ और करना होगा, ना कि सेक्स, समथिंग विच इज मच डीपर। ठीक है दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी को पूरी डेप्थ में समझने के लिए जिनों का बेसिक और एडवांस कोर्स है, बिजनेस को, रीड हैशटिंग को, अमेजोन को, जेफ बेजोस को, इस तरह के ढेरों बिजनेस मास्टर्स को समझने के लिए है WBX। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, छोटे और बड़े किसी भी तरह के डिसीजंस, उसके लिए है BDM। अपने ब्रह्मचर्य को साधने के लिए SPM, टीचरों को समझने के लिए, उनको बहुत खूबसूरत तरीके से बड़ा करने के लिए है SPPT। और अपने रिश्तों में खूबसूरती लाने के लिए, अपने बिलेवेड के और नज़दीक आने के लिए लिमिटलेस, ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज की जानकारी एक साथ ले लीजिए।